वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल आईडी प्रभा। तो लास्ट क्लास में हम लोग थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे, आज हम लोग 18th अगस्त का शिफ्ट वन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यू विल गेट ऑन द बोर्ड एज यूजुअल, ट्राई टू सॉल्व इट, पॉज करके आप लोग सॉल्व करो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेजर इज रिटन एज MIDOO, हाउ विल एंजल बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज। पेजर is written as MIDOO, हम लोगों को एंजल का फाइंड करना है। तो यहां पे क्या है, हम लोग देखें तो ये पहला वॉवल है, ए के बाद AEIOU, ठीक है। तो यहां पे क्या है, हर एक दूसरा जो है वो वॉवल है, AEIO, ठीक है। बट बाकी जो ये है इसमें -3 है, OPQR, करेक्ट। तो सेम बेसिस पे हम लोग को एंजल का भी निकालना है। तो एंजल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर AIKDOI। फिर बाकी सारा -3, करेक्ट। तो आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर AIKDOI। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषभ इज अ 10-year-old बॉय इफ ही हिज मदर इज 20 years ओल्डर दैन हिम एंड 6 years यंगर दैन हिज फादर, देन व्हाट इज हिज फादर्स एज। कह रहा है कि ऋषभ जो है 10 years ओल्ड बॉय है और उसकी मदर जो है उससे 20 years ओल्डर है, ठीक है, और उसके फादर जो है उसकी मदर से 6 years बड़े हैं, 6 years, एंड 6 years यंगर दैन हिज फादर, और इसकी जो मदर है वो 6 years यंगर है किससे, इनके इनके फादर से, करेक्ट। तो इनके फादर का एज 36 हो गया और ये 20 years ओल्डर थी, तो ये +20 के हम लोग, तो 30 years हो गया उनकी मदर का, और ये 6 years ओल्डर है इसके फादर से, तो इनका एज क्या हो गया, 36 years। हम लोग फाइंड करना था फादर का एज, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज म्यूजिक इज कोडेड एज 60, ट्यून इज कोडेड एज 56, लिरिक बी कोडेड एज इन दैट लैंग्वेज। लिरिक का कोड फाइंड करना हम लोगों को और म्यूजिक का कोड गिवन है, ट्यून का कोड गिवन है। तो यहाँ क्या है कि म्यूजिक का जो भी अल्फाबेट का प्लेसेस है, जैसे इसका 19, इसका 9, इसका 3, इसका 21 और इसका 13, जब हम लोग इसको आपस में एडिशन करते हैं तो आता है 65 एंड -5 करता है तो आता है 60, करेक्ट, इस कोड पे गिवन है। नेक्स्ट ट्यून का भी सिमिलरली, ट्यून का भी जो भी पोजिशन वाइज है वो आपस में सम अप है तो आता है हमारा 60 एंड -4 करता है तो आता है 56। सिमिलरली हम लोग को लिरिक का कोड फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिरिक का जो भी उसका अल्फाबेट का पोजिशन होगा उसको सम करके -5 कर देंगे, क्योंकि यहाँ क्या है -5 देन -4 फिर -5, ये है यहाँ का पैटर्न। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए 62, 67 आएगा क्योंकि 67 में से -5 करेंगे तो आएगा हमारा 62। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजंस केयरफुली अज्यूमिंग दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट इज ट्रू इवन इफ इट अपीयर्स टू बी एट वेरियंस विद कॉमनली नोन फैक्ट्स, डिसाइड व्हिच ऑफ द गिवन कंक्लूजंस लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट ऑल डोर्स आर टीचर्स, सारे डोर्स क्या है टीचर्स, ऑल टीचर्स आर कप्स, और सारे टीचर्स क्या है कप्स। नाउ वी विल सी व्हाट आर द कंक्लूजंस, कंक्लूजन गिवन है ऑल कप्स आर डोर्स, सारे कप क्या है डोर्स, ऐसा तो नहीं है सारे डोर्स कप है लेकिन सारे कप डोर्स नहीं है, यानी कि कंक्लूजन वन रॉन्ग हो गया, ऑल डोर्स आर कप, सारे डोर्स क्या है कप है, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कंक्लूजन टू फॉलोज। नेक्स्ट, ऑल टीचर्स आर डोर्स, सारे टीचर्स क्या है डोर्स, ऐसा तो नहीं है सारे डोर्स टीचर्स है लेकिन सारे टीचर्स डोर्स नहीं है, इसलिए ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेलेक्ट आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर।
ये आई लॉगी का क्वेश्चन है, एज यूजुअल मैं हर बार बोलती हूँ आई लॉगी ये सब हमारे फिंगर टिप्स में होना चाहिए, फाइंड करना बहुत इजी होता है। तो यहाँ क्या है, 9:21, 7:what, तो हम लोग ध्यान से देखें तो 9 + 2 करते तो 11 आता है, और 11 का स्क्वायर क्या है, 121। सिमिलरली जब हम लोग 7 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9, और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 81। अब एक डाइस का क्वेश्चन है, ऐसा और गिवन है कुछ पॉइंट्स, तो यहाँ पे 4 डॉट्स है, यहाँ 2 डॉट्स है, यहाँ 5 डॉट्स है, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 6, तो ये कॉन्जिक्यूटिव वे में है, तो यहाँ क्या है, 3, 1, 6, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, हम लोगों को पता है जब कॉन्जिक्यूटिव ये है तो बस ये आपस में हो जाएगा ऑल्टरनेटिव, आपस में ये हो जाता है अपोजिट, तो यहाँ बचता है ये दोनों और ये दोनों आपस में, क्योंकि ये खुला हुआ है डाइस, तो हम लोग को पता है जब कॉन्जिक्यूटिव वे में रहता है तो ऑल्टरनेट कॉलम्स आर अपोजिट टू ईच अदर, तो हम लोग को क्या फाइंड करना था, किसके अपोजिट, 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट क्या है, 1, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्लियर ए। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकेंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर, ये भी एनालॉगी का क्वेश्चन है, तो गिवन क्या है, इंटेक्स इज टू TEXNI स्मॉलेस्ट टू व्हाट, तो यहाँ पे देखना है इंटेक्स को कैसे कोड किया गया है, तो फर्स्ट दो लेटर्स जो है आई एन उसको रिवर्स कर दिया गया लास्ट में प्लेस करके, और TEX जैसे था वो वैसे ही है बट वो फर्स्ट पोजिशन पे, इंटेक्स ये ऐसे ही रह गया यहाँ पे, TEX लास्ट का था तो ये तीनों फर्स्ट में आके और ये आपस में एक्सचेंज हो गया NI, तो सेम हम लोग अप्लाई करेंगे किसके लिए, स्मॉल के लिए, तो स्मॉल में भी क्या होगा, स्टार्टिंग का SM पीछे चला जाएगा तो MS हो जाएगा, और पीछे का AL ALL वैसे ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C ALLMS। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB ब्लैंक 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 CBA ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, तो ये वो वाला क्वेश्चन है, ये भी अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व करो कि बहुत आसान है, आई होप सबसे सॉल्व हो जाएगा। AB CBA DD, ABCD AA DCBA, तो यहाँ पे क्या है, मैं हर बार कहती हूँ या हम लोग सेक्शन में इसको डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं, बट एक और वे है, तो हम लोग बस पैटर्न फाइंड करना, तो यहाँ पे देखिए ABCD है, ठीक है, यहाँ AB गिवन है, यहाँ DCBA है, यहाँ CB है, तो CBA के पहले क्या है, D, तो हम लोग D बैठा देंगे पहले, ठीक है, फिर क्या है ABCD, तो AB के बाद क्या आ जाएगा, CD, ना यहाँ क्या आ गया, D, D और D, यहाँ भी D और D है, तो D और D के पहले क्या, ABC, AB, ए गिवन है बी सी, ठीक है, अब यहाँ क्या है ABCD, ABCD के पहले अब हम लोग देखेंगे क्या है, क्योंकि ये सर्कुलेट करता है तो ABCD है, उसके पहले क्या है DCBA, राइट, तो D गिवन है CBA हो गया, उसके बाद ABCD आ गया, अब ABCD के बाद क्या है DCBA, DCBA, ठीक है, उसके बाद क्या है DCBA, फिर जब डबल ए आ गया तो डबल ए के बाद क्या है BCD, करेक्ट, तो यानी कि हम लोगों को क्या मिल गया यहाँ पे, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यानी कि ऑप्शन नंबर सी, CDD ABCC BAD CBB CD, यानी कि बस हम लोग को पैटर्न फाइंड करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, हम लोग को बस ये चेक करना है कि प्रीवियस में कौन सा लेटर है उस लेटर, किसी भी लेटर के, गिवन लेटर्स के, और आफ्टर में क्या है, जब वो हम लोग फाइंड कर लेंगे तो हम लोग को पैटर्न देखना है कि ऑल्टरनेट है या दो तीन का पैटर्न है, तो
बस वो चेक करना और फटाक से जो जिसके पहले होगा वो मेरे को प्लेस कर देना है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी अल्फाबेट लेटर्स का है तो ये सबसे सॉल्व हो जाना चाहिए। सेम वे सेम मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे जिससे टाइम बच जाएगा। ई जी ई ई एफ जी जी डबल ई ट्रिपल जी। तो यहाँ का क्या पैटर्न है, यहाँ पे हम लोग देखें यहाँ ट्रिपल जी है राइट, यहाँ डबल ई है। तो अभी हम लोग देखें तो अगर हम यहाँ पे एफ बैठाते हैं ई एफ जी डबल ई एफ एफ जी जी, फिर क्या हो गया। अब हम लोग बस क्या देखना है, डबल और ट्रिपल का देखना है, डबल ई डबल एफ डबल जी, फिर ट्रिपल ई ट्रिपल एफ ट्रिपल जी, हम लोग को मिल गया एक और पैटर्न। यानी कि क्या था, ई एफ जी फिर ई ई एफ एफ जी जी फिर ई ई ई एफ 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 जी जी जी, यानी कि सिंगल डबल ट्रिपल का पैटर्न था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ई यानी कि डी एफ एफ ई एफ एफ। क्लियर सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, एक ऐसा है गिवन पेयर्स में जो ऑड वन आउट है हमको पिक करना है। तो हम लोग यहाँ देखें सारा ऑप्शन अगर हम ऑब्जर्व करें तो ए और वाई क्या है, दो मतलब माइन रिवर्स ऑर्डर में वाई जेड ए, सिमिलरली एस टी यू, उसके बाद क्या है एम एन ओ, मतलब एक एक माइनस कर रहे हैं। बट बी ई में क्या है, बी के बाद बी सी डी ई प्लस थ्री करते तो हमको ई मिलता है, यानी कि ये एक था जो ऑड वन आउट है बी और ई बी, मतलब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज एंड 18 डेज रेस्पेक्टिवली। ए स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 6 डेज बी जॉइन हिम टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, इन हाउ मेनी डेज हैज द होल वर्क कंप्लीटेड। अगर इसको करेक्ट वे में देखा जाए तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, बट फिर भी इसको हम लोग बनाते हैं क्योंकि अब गिवन है तो बनाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ क्या है, मैं इसको साफ कर लेती हूँ, तब तक आप लोग ये ट्राई करो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है मैथ्स का, तो ये भी पता होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए सर। यस, तो क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज एंड 18 डेज रेस्पेक्टिवली। तो ए क्या है 30 डेज में कर रहा है और बी 18 डेज में। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 90। तो इसका एफिशिएंसी क्या हो गया 3 और इसका एफिशिएंसी 5। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे, ए स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 6 डेज बी जॉइंड हिम। तो 6 दिन तक ए अलोन काम किया, तो 6 दिन का काम पहले हम लोग निकाल लेते हैं, तो ए का 6 दिन का काम क्या हो जाएगा 18। रिमेनिंग वर्क निकाल लेंगे तो रिमेनिंग वर्क क्या आएगा 72, करेक्ट। फिर क्या है, 6 दिन के बाद बी भी उसको ज्वाइन कर लिया, दैट मीन्स अब दोनों का एफिशिएंसी ऐड हो जाएगा, करेक्ट, यानी कि 8। अब इस वर्क को 8 से डिवाइड दे देंगे, यानी कि कितना लगेगा, नाइन। और टोटल डेज पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट किया, तो 6 दिन इधर और 9 दिन इधर, यानी कि 15 डेज। क्लियर सबको, बहुत इजी था, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आरओई का क्वेश्चन है, तो पेयर हम लोग को चूज करना है सेम बेसिस पे, यानी सेम पैटर्न पे, चेयर्स टू फर्नीचर, और हम लोग को इस चार ऑप्शन में से पिक करना है। तो पहले हम लोग को रिलेशनशिप पता होना चाहिए, तो रिलेशनशिप ये है, चेयर किस कैटेगरी में आता है, तो फर्नीचर कैटेगरी में आता है, यानी कि चेयर किसका आइटम है, फर्नीचर का। सिमिलरली लेटर पेपर किसका किस कैटेगरी में आता है, किस आइटम से बिलोंग करता है, तो वह स्टेशनरी से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। कौन सा दो साइन इंटरचेंज होगा जो ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, इक्वेशन है 4 डिवाइड 6 प्लस 9 माइनस 48 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 27। हम लोगों को इक्वेशन करेक्ट करने के लिए साइन इंटरचेंज करना है, तो हम लोग यहाँ पर देखें, तो अगर हम लोग डिवाइड और हम लोग कैसे चेक करते हैं, ये इसमें क्या है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, हम लोग को बस देखना होता है, जहाँ पे भी बस एक चीज मार्क करना होता है, जहाँ पे भी डिवाइड का साइन होता है तो हम लोग को देखना होता है कि वो मल्टीपल में है या नहीं वो नंबर, जिससे ईजी हो जाता है, वो कट जाता है, तो वो नंबर
जल्दी 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 सॉल्व भी होता है और हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ इक्वेशन करेक्ट होगा या नहीं होगा अगर हम चेंज करेंगे तो। इसलिए पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि कौन सा ऑप्शन ऑप्शन क्या मिल रहा है, तो या तो पहले फर्स्ट से चेक करेंगे या तो हम लोग लास्ट से चेक करेंगे। तो जनरली किससे हम लोग चेक करेंगे? पहले लास्ट से, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो लास्ट में क्या, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई को हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं। 4 6 + 9 - 48 - 8 = 27, ये 6 24 + 9 - 6 = 27, यानी कि इसको हम लोग प्लस कर देंगे -6, यानी कि 27 हमको मिल जा रहा है। यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 8 15 24 36 52 ब्लैंक, ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 2 8 15 24 36 52 ब्लैंक। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, 2 + 6 = 8, देन 8 + 7 = 15, देन फिर 15 यहाँ आ गया, +9 = 24, यानी कि क्या है, कुछ नहीं, बस हम लोग यहाँ पे इसे एक्सचेंज कर दे रहे हैं। यानी कि अब 24 + something तो हम लोग क्या मिलेगा, 36, उसके बाद 36 + something तो हम लोग क्या मिलेगा, 52, यानी कि सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसी पैटर्न पे अगर हम आगे भी फॉलो करें तो क्या होगा, 52 + अब हम लोग 52 में कुछ प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए वो देखेंगे, तो 73 - 52 21। यानी कि जब हम लोग इस प्रोसेस से चलेंगे आगे, क्योंकि अब मैं आगे नहीं कर रही हूँ तो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे क्या है, 52 + 21 = 73, यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 73। आप लोग अच्छे से कर लेना क्योंकि मैं शॉर्टकट में बना रही हूँ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बस हम लोग को पता चलना चाहिए कौन सा सीरीज कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, एंड दैट्स इट। 2 और 3 नंबर डिजिट से 2 और 3 सीरीज में हम लोग को पता चल जाएगा स्टार्टिंग में कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स लाइक बोथ टी एंड कॉफी बट नॉट जूस। यहाँ पे क्या डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से पीपल को क्या पसंद है, और हम लोग को फाइंड करना है कौन है, कौन ऐसा पर्सन है जो बोथ टी और कॉफी को पसंद करता है बट जूस को नहीं। तो क्या ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन हु लाइक टी, ओवल रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन हु लाइक जूस, एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन हु लाइक कॉफी। हम लोगों को कॉफी और टी का देखना है दोनों, ऐसा कौन सा पीपल है जो दोनों पसंद करता है। तो नंबर 12 जो है वो दोनों पसंद करता है, करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी कौन सा दो साइन और एक नंबर्स है जो इंटरचेंज होगा, है कि दो नंबर दो साइन इंटरचेंज करके हम लोग इक्वेशन करेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या, मैं सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि मैं बता रही हूँ बहुत आसान है, आप खुद से सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में बताओ। बट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जब चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी है जो 14 और 18 है, प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, जब इन साइंस को और इन नंबर्स को एक्सचेंज करते हैं तो हमारा इक्वेशन करेक्ट हो जाता है, यानी कि 38 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AHTOITG46Q34, इसको हम लोग को मिरर इमेज पे बताना। तो मैं हमेशा कहती हूँ जब मिरर इमेज पे कोई नंबर है तो जब इधर हम लोग देखते हैं तो उल्टा हो जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है। यानी कि क्या है, ए अगर है यहाँ पे तो इधर चल जाएगा ए लास्ट में, ऐसे मतलब बैक साइड से चलेगा, अगर इधर ऐसे है तो इधर ऐसे हम लोग को मिलेगा इमेज, करेक्ट। तो ए लास्ट चल जाएगा, उसके बाद जो भी नंबर है जो भी डिजिट्स है वो या जो भी अल्फाबेट्स है उसी सीक्वेंस में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला इंट्रोड्यूस्ड राहुल सेइंग हिज सिस्टर इज द सिंगल डॉट ऑफ माई मदर, हाउ आर राहुल एंड शीला रिलेटेड टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो हम लोग एक ट्री बनाएंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे, तो शीला की जो मदर है क्या कह रहा है कि जो उसकी जो मदर है उसकी सिंगल डॉटर है, उसकी सिस्टर है, मतलब राहुल की जो सिस्टर है उसकी मदर की सिंगल डॉटर है। इसकी सिंगल डॉटर क्या हो गई, राहुल की सिस्टर, और ये राहुल की इकलौती सिस्टर है, मतलब इसकी मदर की इकलौती बेटी है, तो ये क्या है, राहुल।
यानी कि ये किसका बात हो रहा है, शीला का। शीला बता रही है उसकी मम्मी की इकलौती बेटी राहुल की बहन है, दैट मीन्स ये कौन हो गए, शीला इटसेल्फ। इनका आपस में क्या रिलेशन हो गया, भाई बहन का, करेक्ट। तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ब्रदर सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एप्रिकॉट इज रिटन एज GLXRIKZ, देन हाउ विल ऑरेंज बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या, अगर हम लोग देखें तो एप्रिकॉट का कोड है GLXRIKZ, तो कैसे आया, तो ए के अपोजिट में क्या, मैंने बताया था ना कि पोजिशंस एंड अपोजिट नंबर, अपोजिट लेटर्स, ये सबके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अपोजिट लेटर्स है पैटर्न। तो क्या है यहाँ पे, ए के जस्ट अपोजिट क्या होता है, जेड। सिमिलरली पी के अपोजिट के, आर के अपोजिट आई, और आई के अपोजिट आर, सी के अपोजिट एक्स, ओ के अपोजिट एल एंड टी के अपोजिट जी। बट यहाँ पे किस बेसिस पे लिखा है तो देखना, ये आपरी कॉट, तो ये लास्ट में है ऐसे, इस बेसिस पे, मतलब जो ए का अपोजिट है वो यहाँ जेड, रिवर्स बेसिस पे पी का के, आर का आई, आई का आर, सी का एक्स, ओ का एल, टी का जी, हम लोग को मिल गया। दैट मीन्स हमारा ऑरेंज का भी हम लोगों को सेम रिलेशनशिप पे निकालना है। तो ओ का क्या होता है हमारा एल, तो लास्ट हो जाएगा वो। उसके बाद क्या होता है, आर का होता है हमारा आई, ए का होता है जेड, एन का होता है एम, जी का होता है टी, और ई का होता है वी। दैट मीन्स हम लोग उसको रिवर्स सेक्स रिवर्स ऑर्डर में सजा देंगे, तो हमारा कोड क्या बनेगा, VTMZIL, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी। तो ये था हमारा इस सेट का क्वेश्चंस, आई होप बहुत इजी था। तो हम लोग एक चीज नोटिस किया होगा सबने कि कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगी नंबर सीरीज ये हर एक सेट में पूछा ही पूछा गया है। दैट मीन्स इसको तो प्रैक्टिस करना मस्ट है। और सिलॉजिज्म, ये तीन चार टॉपिक है, एंड पिक ऑड वन आउट वगैरह, ये कुछ चैप्टर्स है, ये कुछ टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा मस्ट है, ये हर एक सेट में पूछा जा रहा है। तो प्लीज डू प्रैक्टिस दीज चैप्टर्स अ लॉट एंड मोस्टली, बिकॉज इससे हर सेट में हम लोगों को क्वेश्चन मिला। अभी तक मतलब चार सेट के, तो चारों सेट में हम लोगों को ये क्वेश्चन मिला, तो ट्राई टू सॉल्व इट। और ये अगर फिंगर टिप्स पे होगा, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम लोग को पता है स्क्वायर नंबर, मतलब 1 to 30 स्क्वायर, 1 to 20 क्यूब, एंड देन वॉट अल्फाबेट का पोजिशन वाइज, एंड देन अपोजिट अल्फाबेट्स, ये सब सब हम लोग के टिप पे रहेगा, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो ये सब आप प्रैक्टिस करो, डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, जिससे सारा क्वेश्चंस बनेगा और टाइम भी कम लगेगा एग्जाम में। तो आई होप सबको बहुत मजा आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस था और हमने फटाक से सॉल्व कर लिए। तो ये सारे टॉपिक्स पे कमांड होना चाहिए, और आप लोग एनालिसिस कर लो कि कौन सा टॉपिक आपका वीकर है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।